साल 2021, नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हीलचेयर पर था। लड़के की माँ स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में बैठकर रो रही थी कि तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हीलचेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए। एज एक्सपेक्टेड लड़के की वहीं पर जान चली गई। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो गया, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान तेजी से क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की माँ भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। सो गाइज, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। और क्या आप जानते हो कि उस लड़के की गलती क्या थी? वेल, साउथ कोरियन यानी कि के पॉप म्यूजिक को सुनना। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसीलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नम जैसी जिंदगी से अपने और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है, पर उसकी खुशी एक पल में चली गई, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहां की अथॉरिटी द्वारा उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन सोल्जर को सौंप दिया गया, जहां उसे भागने की सजा के तौर पर टॉर्चर एंड फाइनली मौत की सजा दी गई। अब काफी आइसोलेटेड होने के कारण इस देश के खबरों का बाहर आना काफी मुश्किल है, लेकिन जो खबरें बाहर आती है वो काफी दिल दहला देने वाली होती है। जैसे रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों के एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर टीनेजर्स का था, जिनमें उनके क्राइम थे के-पॉप म्यूजिक को सुनना एंड फॉरेन मूवीज को देखना। क्योंकि दोस्तों, यहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज को देखना, ये एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े वायरस की तरह है जो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए एक डिफेक्टर जिनका नाम ओसे हायक है, उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की बॉडी क्राउडेड प्लेस लाइक मार्केट एंड स्टेडियम में लटका देती है, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके कि आखिर रूल्स तोड़ने वालों का कितना घातक अंजाम होता है। अभी सब के बावजूद ना, नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर यह प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें उस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहाँ आपको उनकी नहीं बल्कि उनकी फोटो का भी सम्मान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ऑनसोंग टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। महिला ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली, पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की मांग की गई। पर सवाल यह है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? वेल, उसकी गलती थी कि उसके घर में लगी आग में उसने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, ना कि अपने घर में लगी इन कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को। मतलब बाप रे बाप, कितना बड़ा क्राइम है। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया और उसकी पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया पर काफी तारीफ की गई। वैसे दोस्तों, आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में ये जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को के मुताबिक इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया की खास बात यह है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है, और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी है, खास करके उनके लीडर्स की, क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चे से बड़े होने तक इन्हें लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स गॉड के अवतार है, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। यहाँ तक कि चाहे साइंस हो या मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में यहाँ सुप्रीम लीडर की एक गॉड की तरह तारीफ करना कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट को भी अपने आर्टिकल्स में इस तरह के कोट ऐड करने पड़ते हैं। महान नेता सम्मान्य किम इल सुंग ने मुझे ये सिखाया, महान मार्गदर्शक सम्मान्य किम जोंग इल ने मुझे ये नॉलेज दी। 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए जाने के बाद अब नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एज
23 साल का है। वैसे आर्मी में सिलेक्ट हुई ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड भी भेजा जाता है, जिसे कोरियन में किपुमजो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। वैसे इनके नाम से आपने इनका काम का अंदाजा लगा ही लिया होगा, क्योंकि इनका काम केवल नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स एंड किम जोंग उन को खुश करने का होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता अंटिल आप स्टडीज में एक जीनियस है या फिर किसी स्पेशल रैंक ऑफिसर या लीडर के परिवार में जन्मे हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बात काफी हैरान करने वाली है। यहाँ की औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती है, जिस कमाई से यहाँ के परिवारों का 70% खर्च चलता है। अब ये इनकम ये महिलाएं कैसे कमाती है उसकी डिटेल में तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट मोस्टली वर्क इलीगल ही होता है। देखो लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में एक परमानेंट सोल्जर्स बनने या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करने का ही होता है, जहां उन्हें पर मंथ $3-4 दी जाती है, इंडियन रुपीज में 200 से लेकर 300 रुपए के बीच। और नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल के दाम भी ऑलमोस्ट 200-300 के बीच ही है, यानी कि पूरे महीने काम करने के बावजूद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पूरे मंथ का राशन नहीं खरीद पाते। लेकिन ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज में और खेतों में काम करते हैं ना, उनकी हालत तो इससे भी गई गुजरी है, जहां इन्हें पूरे महीने काम करने के बाद केवल $1 या फिर 50 सेंट्स दिए जाते हैं, यानी केवल 80-40 रुपए। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक एवरेज इंसान वहां पर कैसे जीता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे का काम करना है और इन्हें हॉलीडे और वीकेंड ऑफ मिलना चाहिए। वैसे देखो ये सिर्फ एक नियम है, एंड एज ए कम्युनिस्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया भी अपने खुद के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए कंपनी या फिर फर्म पर काम करने वाले लोगों को दिन में 12 या उससे ज्यादा घंटे काम करना होता है और वीकेंड ऑफ मिलेंगे या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है कि वहां पर हमें हर रोज एक बाउल में 30% चावल, 70% मक्के का आटा, एक कटोरी सलाद, सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती थी, जो ऑफ कोर्स लोगों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो भी ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर अपने लिए दूसरा खाना खरीद कर उसे खाते थे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में लंबे वक्त तक काम करने वाले लोगों को सरकार एक एज के बाद रिटायर भी करती है। आदमियों के लिए ये एज 60 साल का है और औरतों के लिए 55 साल का। इसके बाद उन्हें नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट द्वारा उनकी लास्ट सैलरी का 30% दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए मिनिमम 600 ग्राम पर एवरेज डेली फूड की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर लोगों को एवरेज 400 ग्राम पर पर्सन डेली फूड दिया जाता है, जिसे साल 2019 में फसल की कमी के कारण घटाकर एवरेज 300 ग्राम पर पर्सन तक कर दिया गया। इस कम फूड के कारण वहां पर मौजूद मेजॉरिटी गरीब लोग कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों को भी खाते हैं। साल 2014 के डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 एडल्ट्स एंड 1,67,000 चिल्ड्रन डेली तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग मेल स्मोकिंग एंड अल्कोहल के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है यहाँ पर इन चीजों का काफी सस्ता होना एंड लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होना। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट का एक पैकेट $0.08 यानी कि इंडियन रुपीज में केवल 6 रुपए में मिल जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा चाइनीज अल्कोहल कोवालियांग लिकर बिकती है, जो सस्ती होने के साथ साथ काफी स्ट्रांग भी होती है, क्योंकि बाय वॉल्यूम इसमें 38-63% अल्कोहल होता है। लेकिन मोस्टली नॉर्थ कोरियन इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते और वो अपने घर में ही पोटैटो एंड कॉर्न से इलीगल तरीके से अल्कोहल को बनाते हैं, जिसे बच्चे बूढ़े सब सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। वैसे नॉर्थ कोरिया में भी अल्कोहल पीने की 18+ एज लिमिट है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए एज से पहले अल्कोहल पीने के बजाय BTS एंड ब्लैक पिंक के पॉप सुनना ज्यादा बड़ा क्राइम है, इसलिए यहाँ उम्र से पहले अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे दोस्तों, अगर BTS सॉन्ग सुनने, अमेरिकन मूवी देखने, भागने की कोशिश करने या फिर आग में सुप्रीम लीडर की तस्वीरों को छोड़कर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने जैसे बड़े क्राइम पर भी आपको अगर मौत की सजा नहीं सुनाई गई तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी कंट्री में अलग अलग रिमोट प्लेसेस में बने प्रिजन कैंप्स में गुजारनी पड़ेगी। जो कैंप्स इस आइसोलेटेड कंट्री में मौजूद एक और आइसोलेटेड जगह है, जहां के लोग बाकी कंट्री से भी कटे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक
नॉर्थ कोरिया के अलग अलग प्रिजन कैंप्स में ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद है, जिन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात तक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काफी ज्यादा काम करना होता है। और इन सब के बावजूद इन्हें काफी कम खाना दिया जाता है, जिसके चलते इन कैंप्स की हालत इतनी बेकार है कि करीब 40% लोग न्यूट्रिशंस की कमी से मर जाते हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने के चलते औरतों और बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होना तो काफी आम बात है, क्योंकि यहाँ पर प्रिजनर्स के अपने कोई अधिकार नहीं होते, बल्कि यहाँ के अपने नियम है जो यहाँ रहने वाले प्रिजनर्स को मानने होते हैं, जिनको तोड़ने पर मोस्टली केवल एक ही सजा दी जाती है, और वो है, जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, मौत की सजा। आपने कुछ चुराया, भागने की कोशिश की, या 3 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में बात की, या फिर किसी के भागने की प्लानिंग को रिपोर्ट नहीं किया, इन सब केसेस में आपको यही एक सजा दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे शिन डोंग ह्युक बताते हैं कि मेरा जन्म इसी तरह के कैंप में हुआ था और बचपन से इसी कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी कोई दूसरा देश मौजूद है। उन्हें बस भूख और दर्द समझ में आता था। उनके मुताबिक कैंप में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और परिवार जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो इसका एग्जाम्पल देते हुए अपनी एक स्टोरी भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था, और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खींचते हुए बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और भाई को गोली मार दी गई, लेकिन उस दौरान भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं जिसकी इन्हें सजा दी गई है। इन कैंप्स की एक और खास बात है, जो कि है यहाँ होने वाली शादियाँ। तो देखो, इन कैंप्स में ना वर्क फोर्स का काउंट लगातार बनाए रखने के लिए बच्चे होते रहे, इस बात को एंश्योर करने का काम इन कैंप्स को हैंडल करने वाले गार्ड्स का होता है। और यहाँ किसी को भी अपने पार्टनर चुनने की आजादी नहीं होती, बल्कि मैच मेकिंग कुछ इस तरह होती है कि तुम दोनों अब से पति पत्नी हो और बस हो गई शादी। 2019 में नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टीवी चैनल में यह अनाउंस किया गया कि जो भी अपने एरिया में हो रही इलीगल एक्टिविटीज की जानकारी देगा, उसे गवर्नमेंट $6 का इनाम देगी। अब चूंकि नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए वो काफी बड़ी रकम है, तो आपको क्या लगता है लोगों ने क्या किया होगा, रिपोर्ट किया होगा? वेल, नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके एरिया में इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती, बल्कि नॉर्थ कोरिया में हर कोई इस तरह की अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में शामिल रहता है। अब इसके बिना लोगों का अपना पेट पालना भी पॉसिबल नहीं है, और इस तरह की एक्टिविटीज के बिना लोगों का अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, और लगभग हर कोई इन एक्टिविटी में शामिल होता ही है, इसलिए कोई भी एक दूसरे की रिपोर्ट नहीं करता। यहाँ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर पूरी जिंदगी ये लोग डिप्रेशन और ट्रॉमा से गुजारते हैं, अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को प्यास से मरता हुआ देखते हैं, या गवर्नमेंट के अत्याचार को झेलते हैं। ये सब इतना मुश्किल होता है कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए खुशकिस्मत लोगों के अंदर वो भयानक याद हमेशा बनी रहती है, जो वो दुनिया के साथ शेयर करती है, और उन्हीं की स्टोरीज मैंने आज के इस वीडियो में आपको सुनाया। तो दोस्तों, मेरे पिछले नॉर्थ कोरिया वाले वीडियो में काफी सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट कंट्री और मुझे वहां पर जाना है। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आप वाकई में नॉर्थ कोरिया में रहना चाहेंगे। वैसे यार, मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, जहाँ मुझे पूरी आजादी है कुछ भी करने की, मतलब इलीगल काम नहीं, लेकिन आप आजादी से घूम सकते हो। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।